स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई. चार ऑप्शन दिए आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयनिक रेडियाई का. ठीक है, यहाँ पर मैं एन ए पॉजिटिव देख रही हूँ, एम जी टू पॉजिटिव है सभी ऑप्शन के अंदर, ए एल थ्री पॉजिटिव है सबके अंदर, एंड एस आई फोर पॉजिटिव है. सोडियम का एटमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 एंड सिलिकन का 14. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेते हैं. सोडियम पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है एंड सिलिकन 4 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है. सो अगर मैं यहाँ पे पी बाय ई रेशो निकालू सो क्या हो जाएगा, 1.1, ये 1.2, ये 1.3 और ये वाला 1.4 होगा. ठीक है, ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्योंकि इनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, सेम है. ठीक है, इनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाता है, सेम है. तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, ये नहीं भी हो तो दैट इन दैट केस ऑल्सो अगर आप पी बाई ई रेशो चेक कर लो, पी बाई ई रेशो किसके लिए सबसे ज्यादा है, सिलिकन के लिए सबसे ज्यादा है. ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए एक से ज्यादा प्रोटॉन अवेलेबल है तो सिलिकन 4 पॉजिटिव का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा. ठीक है, सबसे छोटा एस आई 4 पॉजिटिव का होगा, देन उसके बाद आपका ए एल 3 पॉजिटिव का होगा, देन आपका एम जी 2 पॉजिटिव का होगा और सबसे बड़ा साइज आपका एन ए पॉजिटिव का होगा. क्लियर? सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.